हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। नाउ सऊदी अरेबिया ने वो करके दिखाया जो पिछले 3 सालों में किसी ने भी नहीं किया। अर्जेंटीना अपना वर्ल्ड कप का पहला ही मैच हार गई, वो भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ, और ये पिछले 36 मैचों के बाद इनकी पहली हार हुई है। आखिरी मैच इन्होंने लगभग 3 साल पहले हारा था, उसके बाद अब जाकर ये वर्ल्ड कप के अपना पहले मैच हार चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फुटबॉल ट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ अर्जेंटीना एक ऐसा देश जो कि फुटबॉल के लिए जाना जाता है, एंड इस बार ये टीम इसलिए भी खास है क्योंकि ये अभी तक के सबसे बेस्ट फॉर्म में थी पिछले कुछ सालों से। अगर पूरे एक्यूरेसी के साथ बात करें तो 3 साल और 4 महीनों, टोटल 40 महीनों में इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। इसी दौरान इन्होंने कोपा अमेरिका जीता ब्राजील को हराकर, और अपने पूरे क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान एक भी मैच इन्होंने नहीं हारा। आखिरी मैच इन्होंने हारा था 3 जुलाई 2019, और उसके बाद से लेकर अब तक वर्ल्ड कप में ये पहला मैच हारे हैं। 3 साल और 4 महीने के बाद पहला मैच हारना, वो भी वर्ल्ड कप में, बहुत ही बड़ा सेटबैक है ये अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना के पूरे स्क्वाड की अगर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे तो ये है टोटल 633 मिलियन यूरो, और आज के टाइम पे 1 यूरो है लगभग 84 रुपीज। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे INR में तो ये है टोटल 5,314 करोड़ रुपीज, मतलब 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की इनकी मार्केट वैल्यू है। इनका मैच था अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, एक ऐसा नेशन बहुत ही कम पॉपुलेशन है, वर्ल्ड कप में कुछ ज्यादा खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 5 ही बार इन्होंने इससे पहले वर्ल्ड कप खेला और ये इनका 6th अपीयरेंस है इस वर्ल्ड कप में। और इनकी अगर आप मार्केट वैल्यू चेक करेंगे तो ये है टोटल 25 मिलियन यूरोस, जो कि है लगभग 200 करोड़ रुपए। नाउ वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अर्जेंटीना और ब्राजील, ये दो टीम को वन ऑफ द बेस्ट माना जा रहा था, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि मेसी इस बार ये वर्ल्ड कप जीतेंगे और जो एक आखिरी ट्रॉफी रह गई है वो इस बार ये जीत ही लेंगे। लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसी प्लान की गई थी। पहला मैच सऊदी अरेबिया के खिलाफ शुरू हुआ और मैच के 10वें मिनट में मेसी को एक पेनल्टी मिली। हालांकि ये पेनल्टी डायरेक्ट नहीं मिली थी, इसके लिए रेफरी को VAR देखना पड़ा था और उसके बाद ये पेनल्टी दी गई थी। बहुत ही आराम से मेसी ने इस पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट किया, एंड अब ये अर्जेंटीना के इकलौते प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 4 अलग अलग वर्ल्ड कप में स्कोर किया हो। इसके बाद अर्जेंटीना ने काफी सारे गोल्स किए, लेकिन वो सारे के सारे गोल्स ऑफसाइड की वजह से रूल आउट कर दिए गए, और फर्स्ट हाफ तक स्कोर था Argentina 1-0 Saudi Arabia. लेकिन सेकेंड हाफ में सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया ने 2 गोल कर दिए, और उन्हीं 2 गोल्स की बदौलत सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर पहला ही मैच वर्ल्ड कप का अपने नाम कर लिया। इसी मैच के साथ अर्जेंटीना का 36 अनबीटन रन का रिकॉर्ड भी खत्म हो चुका है, जिसका मतलब इटली अब भी पहले ही नंबर पर है जिन्होंने 37 मैच खेले हैं बिना कोई मैच हारे। मैच के अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 15 अर्जेंटीना ने शॉट्स लिए थे टोटल, जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे और उसमें से सिर्फ 1 ही गोल हुआ। वहीं सऊदी अरेबिया ने 3 शॉट्स लिए थे, 2 शॉट ऑन टारगेट थे और वो दोनों के दोनों गोल में कन्वर्ट हुए। अर्जेंटीना के लिए अब आगे क्या, देखिए पहला मैच तो ये हार गए हैं लेकिन अब भी अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये अपने दोनों मैचेस अगेंस्ट मेक्सिको और पोलैंड, वो दोनों मैचेस अगर जीत लेते हैं तो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अब वो कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं उसके लिए अभी कुछ मैचेस देखने पड़ेंगे, और अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नाउ इसी खुशी में सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया किंग सलमान डिक्लेयर्स हॉलीडे आफ्टर देयर 2-1 विन ओवर लायनल मेसी अर्जेंटीना। मतलब अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो कल आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल भी कल बंद रहेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, कल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं सऊदी अरेबिया की ये ह्यूज विक्ट्री। तो इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।